इसकी जो आंखों में ना दूरबीन लगी हुई है, हाथ मिला के ये ऐसे दरवाजा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये अजगर है, हिरन का शिकार कर रहा है। बारहसिंगा भी है वो रहा गाइस, वो रहा। अभी ना हम ये कुएं में आए हैं, कुएं के पास, अब हम पानी। सो हाय एवरीवन, कैसे आप सब? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कांसल, वहाँ पे ना एक नया म्यूजियम बना है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। और आज है संडे, तो पहले वहाँ चलते हैं, फिर पूरा बताएंगे आपको क्या टाइमिंग है, कैसे आना है, कितनी एंट्री फीस है। तो चलते हैं फिर। सो गाइज अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये देखिए। चल तो यार अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अंदर जाने से पहले हमारी एंट्री होगी, और जो हमने पास बनवाया था ना वो यहाँ पे चेक होगा, फिर उसके बाद एंट्री होगी, फिर उसके बाद हम अंदर जा सकेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो गाइस अब ना हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने पार्किंग की है व्हीकल अपनी। वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो अपनी पार्किंग। तो अभी हम अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। सो गाइस अब हम आपको लेके चलते हैं NIC अंदर। तो चलिए फिर। गाइस यहाँ पे ना आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो गाइस ये ना एक चील बनी हुई है, इसकी जो आँखों में ना दूरबीन लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये दूरबीन लगी हुई है। जैसे वो हिरन इतनी दूर है ना, वो सामने दिख रहा है, वो आपको ना इस दूरबीन से पास में नज़र आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आपने आना है अंदर, और ये दूरबीन लगी हुई है, यहाँ से आपने देखना है। यहाँ से देखने पर वो जो हिरन है ना वो सामने, वो एकदम पास नज़र आ रहा है। तो ये लगी हुई है वो दूरबीन, और वो देखो हिरन इतनी दूर है, तो इस दूरबीन से वो हिरन काफ़ी पास नज़र आएगा आपको। हम हवा महल, ये आपके आराम करने के लिए है। देखो अंदर से ऐसा है, जैसे कि आप इतनी धूप में आ रहे हो ना बाहर से, तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हो, इसे बोलते हैं हवा महल। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेंशन किया हुआ है, यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, और NIC यहाँ पर है सामने, और यहाँ पे कुआं भी मिल जाएगा आपको, कुआं इस साइड है। तो अभी हम आपको, तो गाइज़ ये वाला एरिया ना बच्चों के लिए है, यहाँ पे सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये एरिया बच्चों के लिए है, ये झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, एक ये बना हुआ है, ये देखो ये कितना सही है, एक ये है, और यहाँ पर ये सांप भी दिया हुआ है, रियल नहीं है, ऐसे ही है, नकली है, ये देखो कितना सही है ये सांप। तो अभी हम NIC में जाने से पहले आपको जो यहाँ पे कुआं बना हुआ है ना वो दिखाते हैं आपको। तो कुआं बना हुआ है उस साइड सामने जाके।
तो यहाँ बना हुआ है कुआ। ये बना है कुआ, पानी भी है इसमें, पानी है इसमें। सो गाइस अभी ना हम ये कुएं में आए हैं, कुएं के पास, और हम पानी निकालने वाले हैं। तो ये आ गया है पानी, अब निकालते हैं। तो ये हमने पानी निकाल लिया, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडा है यार। सही हाँ, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यार, जितनी गर्मी बाहर है ना उससे ज़्यादा पानी ठंडा है यहाँ का। तो गाइज़ यहाँ पे ना आपको बारह सिंगा भी मिलेगा, जो यहाँ पर दिया हुआ, ये रहा मेरे पीछे बारह सिंगा भी है। वो रहा गाइज़, वो रहा, जूम करके दिखाऊँ आपको, वो देखो अगर आप देख पा रहे हो तो, वो रहा बारह सिंगा। नहीं रहने दे, गर्मी की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आगे आगे वो देख गाइस, ये है जादुई शीशा, ये देखो ये जादू वाला शीशा है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस अब हम ना अंदर जा रहे हैं NIC के अंदर, एक म्यूजियम बना है बहुत ही अच्छा, तो अंदर लेके चलते हैं आपको। तो ये ओपन कैसे होगा, यहाँ से इसकी एंट्री है, तो एंट्री करने के लिए हाथ मिलाना होगा, हाथ मिला के ये ऐसे दरवाजा ओपन हो जाएगा, फिर इसके बाद आप अंदर आ जाओगे। सो गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने के बाद आ गए हैं। अंदर आके ये पूरा म्यूजियम बना हुआ है, यहाँ पे ये अजगर है, सांप मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर ये लंगूर है देखो ऊपर, और यहाँ पर ये देखो बारह सिंगा भी है, PIG भी है, और ये देखो अंदर, और ये रियल नहीं है, ये फैंसी है वैसे बनाया हुआ है। और आपको यहाँ पर, ओ भाई साहब, यहाँ पे सांप भी है, कोबरा है ये शायद, ये भी मिलेगा आपको, और ये है बारह सिंगा, ये हिरन है क्या, हिरन ही है शायद। और गाइस अंदर ना लाइट नहीं है, इसलिए काफ़ी अंधेरा है, तो जिस वजह से क्लियर आएगा नहीं फिर भी। अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। ये डैम है सुखना लेक का, और ये देखो ये पूरा शहर बसा हुआ है। गाइस अंधेरा इसलिए कि लाइट नहीं आ रही है, इस करके पूरा क्लियर नहीं आएगा आपको नजर, लेकिन ये पूरा एक शहर बसा हुआ है, शहर नहीं है ये, देखो ये सुखना लेक है, ये किशनगढ़, ये चंडीगढ़ आ गया, ये शहर नहीं है ये उसके। सो ये गाइस कांसल के अंदर का है ना, हाँ ये कांसल के अंदर का, जहाँ अभी हम घूम रहे हैं ना वो है। ये देखो ये आ गई सुखना लेक, ये आ गया किशनगढ़, ये चंडीगढ़ आ गया जहाँ हम रहते हैं, ये सुखना लेक का वो निशान देखा ही होगा आपने, और ये पूरा कांसल है, ये जंगल के बारे में बताएगा, पूरा जंगल के बारे में बताया हुआ ये पूरा, अंधेरा होने की वजह से साफ दिख नहीं रहा है। ये सारे डैम है ये, हाँ ये इन्होंने अंदर डैम बनाया, ये अंदर सारे डैम बनाए हुए जितने भी है ना, ये सारे पूरे उसमें, ये देख सकते हो आप,
वो सामने NIC UR here, हम वहाँ पर हैं, वो सामने दिख रहा है आपको, ये लिखा है NIC। अभी इतना बड़ा घूम निकल इस यहाँ पे ना सारे बीज दिए हुए हैं हर किस्म के, ये देखो। और यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, ये ओपन हैंड है चंडीगढ़ का साइन, और ये है हॉर्न बिल, और ये एक किस्म का फूल है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, हमें नहीं पता। और ये इसे क्या बोलते हैं, नेवला, ये नेवला है, मंगूस, मंगूस, और ये आम लग रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे असली हैं। तेंदुआ गाइस हिरन का शिकार कर रहा है, क्या सही बना गाइस, हम 4th level पे आ गए। और यहाँ पर दिए हुए ये देखो, यहाँ पे सारे किस्म के फूल, यहाँ पे फ्रूट, ये देखो, और जिससे मेडिसिन बनती है वो भी है यहाँ पर। ये सारी नॉलेज आपको यहाँ आकर मिल जाएगी। ये सारे एनिमल्स बताए हुए हैं, और यहाँ पर ये देखिए, लेट्स केयर टू शेयर, देखिए ये टीवी चलता था लेकिन लाइट ना होने की वजह से बंद है। सो गाइस आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइट ना आने की वजह से हम आपको क्लियर दिखा नहीं पाए, ये हमारा नसीब है कि आज लाइट नहीं आ रही थी यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। NIC से वापस बाहर आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं इस साइड, देखते हैं आगे है क्या, लेके चलते हैं आपको। सामना अब जो म्यूज़ियम बना हुआ था ना उससे आगे की साइड आए हैं, वहाँ से आपको 1 या 2 किलोमीटर आगे आना होगा, व्हीकल पे ही आ सकते हो आप। तो देखते हैं यहाँ पर है क्या। यहाँ पर एक अभी हमें पार्क नज़र आया, काफ़ी अच्छा है, देखो कितनी शांति है यहाँ पर। यार इस जगह का नाम है लोगट, LOGHUT, और ये जगह देखो कितनी सुंदर है, पूरी शांति है, पूरी साफ सफाई, ये देखो कितना अच्छा है गाइस, ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है। तो अभी संदीप वहाँ पे परमिशन चेक करवा रहा है, फिर इसके बाद हमें अंदर जाने को मिलेगा या नहीं। जो मेरे पीछे आप हाउस देख रहे हो ना ये वाला, इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो इसके अंदर हम जा नहीं सकते। और यहाँ पर सिर्फ ये पार्क है, और एक आगे जाके एक डैम है वो देख सकते हो आप, बाकी इतना ही था यहाँ पर देखने के लिए। सो गाइस आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप यहाँ आना चाहते हो ना तो पहले आपको यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी होगी, परमिशन के लिए आपको 19 में है जहाँ से आपको परमिशन मिलेगी, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा जिसमें आपका नाम और एज और व्हीकल नंबर पूछा जाएगा, और कितने जने आप कितने लोग जाना चाहते हो वो पूछा जाएगा। उसके बाद आपको 2 दिन पहले यहाँ की परमिशन लेनी होगी, 2 दिन बाद आपको यहाँ की जो परमिशन है वो पास मिल जाएगा आपको, फिर आप यहाँ पर आ सकते हो। और ये 7 दिन ओपन है, और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे बंद हो जाता है। तो आप यहाँ पर आइए, फैमिली के साथ आइए, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, और काफ़ी अच्छा है अंदर से भी, हमने तो खूब इंजॉय किया, आई होप आपने भी किया होगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।